हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका उस चैनल में जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की 10 बॉलीवुड न्यूज का काउंटडाउन। नंबर 1, शाहरुख खान के फैंस के अलावा अटली खुद शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की डंकी के लिए बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म को बिगेस्ट स्क्रीन पर देखने की प्लानिंग कर रहा हूँ। डंकी पर बात करते हुए अटली कुमार ने कहा, मैं शाहरुख और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं इस फिल्म को बिगेस्ट स्क्रीन पर देखने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर पॉसिबल होगा तो मैं दर्शकों के साथ ये फिल्म देखूंगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि राजू सर जवान के सेट पर हमसे मिलने आए थे। उन्होंने हमारी फिल्म का पहला रील देखा था, फिल्म की मिक्सिंग देखी थी। मैं उनकी राइटिंग से बहुत बहुत प्रभावित हूँ। मैंने हिरानी सर से बहुत इंस्पिरेशन ली है। मैं बतौर राइटर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। नंबर 2, शाहिद कपूर और करीना कपूर की 6 साल पहले आई सुपरहिट फिल्म जब वी मेट के सीक्वल की चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा था कि दोनों एक बार फिर इसके सीक्वल में नजर आ सकते हैं, मगर अब जब वी मेट के सीक्वल से लेटेस्ट जानकारी सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोर्स ने बताया है कि जब वी मेट 2 में शाहिद कपूर और करीना कपूर खान नजर नहीं आएंगे। ये खबर सही नहीं है। शाहिद कपूर को तो इल्म तक नहीं है। वही करीना कपूर के प्रवक्ता ने कंफर्म किया है कि वो फिलहाल इस तरह की कोई फिल्म नहीं कर रही है। नंबर 3, सलमान खान और कैटरीना कैफ की टाइगर 3 दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में जवान एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा भी नजर आएंगी। इस बीच रिद्धि ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में बताया कि उन्होंने सलमान खान और कैटरीना कैफ की टाइगर 3 करने के लिए क्यों हां कहा। रिद्धि ने कहा, मैंने टाइगर 3 डायरेक्टर मनीष शर्मा के लिए की है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उनके साथ मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई क्योंकि मैं उन्हें एक्टर बनने से पहले से जानती हूँ। मैं मनीष से बहुत पहले मिली थी जब हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या करना है। वो मुंबई में मेरे पहले दोस्त में से एक थे। नंबर 4, रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में फिल्म सूर्यवंशी के साथ अक्षय कुमार की एंट्री हुई थी। फैंस ने इस फिल्म को और किरदार को खूब प्यार और फिल्म को सुपरहिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं ताजा रिपोर्ट्स आई है कि रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार एक और एक्शन फिल्म के लिए साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को रोहित शेट्टी नहीं बल्कि मोहित सूरी डायरेक्ट करने वाले हैं। सोर्स की माने तो रोहित, मोहित और अक्षय कुमार पिछले कुछ समय से इस प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं और स्क्रिप्ट ने आखिरी रूप ले लिया है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। नंबर 5, शाहरुख खान की जवान का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं एक बीमार फैन ने तो किंग खान की फिल्म को वेंटिलेटर पर होने के बावजूद थिएटर में जाकर देखा। फैन की वीडियो पर एसआरके ने रिएक्ट किया है। इस शख्स का नाम अनीस फारूकी है जो अपनी बीमारी के बावजूद बड़े पर्दे पर फिल्म देखने गया था। शाहरुख खान ने वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया, धन्यवाद मेरे दोस्त, भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। मैं तुमसे प्यार पाकर बहुत आभारी हूँ। उम्मीद है कि तुम्हें फिल्म पसंद आई। ढेर सारा प्यार। नंबर 6, बाहुबली और RRR डायरेक्टर SS राजामौली ने अपनी अगली मूवी का धांसु ऐलान किया है। साथ ही डायरेक्टर ने अपने बैनर तले बनने वाली अपनी अपकमिंग बायोपिक मूवी का टीजर वीडियो भी जारी कर दिया है। इस फिल्म का नाम मेड इन इंडिया रखा गया है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास को दिखाने वाली है जिसे बायोपिक अंदाज में बनाया जाएगा। इस फिल्म को डायरेक्टर नितिन कक्कड़ बनाने वाले हैं। इस फिल्म में भारतीय सिनेमा के जन्म और इसके आगे बढ़ने के इतिहास को दिखाया जाएगा। नंबर 7, संजय दत्त और अरशद वारसी हाल ही में फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी के साथ एक एडवर्टाइजमेंट शूट में साथ नजर आए। हालांकि तीनों को साथ देखकर लोगों को लगा कि ये मुन्ना भाई 3 के लिए साथ आए हैं। इसी बीच जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि ये फिल्म कभी नहीं बन पाएगी। फिल्म के बंद होने का कारण कथित तौर पर निर्माताओं, निर्देशक राजकुमार हिरानी और निर्माता वधु विनोद चोपड़ा के बीच एक बड़ी अनबन बताई जा रही है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुन्ना भाई 3 शायद अब कभी भी नहीं बन पाएगी। नंबर 8, गणपत राइज ऑफ द हीरो से टाइगर श्रॉफ के बाद अब कृति सेनन का दमदार लुक सामने आ चुका है, जिसमें एक्ट्रेस का बेहद ही सॉलिड लुक देखने को मिल रहा है। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि टाइगर श्रॉफ की तरह गणपत के इस पोस्टर में कृति सेनन भी दमदार अंदाज में नजर आ रही है। एक्ट्रेस का एक्शन अवतार इस पोस्टर में साफ झलक रहा है। इस पोस्टर के कैप्शन में मेकर्स ने लिखा है, वो खौफनाक है, वो अपराजेय है और वो मारने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। मिलिए हमारी जस्सी से। नंबर 9, शाहरुख खान की फिल्म जवान के टोटल कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म का अभी तक का कुल आंकड़ा 505 करोड़ 15 लाख रुपए हो चुका है, जिसमें से एक मोटा हिस्सा
फिल्म ने अपने हिंदी वर्जन के जरिए कमाया है। पहले हफ्ते की कमाई की बात करें तो फिल्म ने 389 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और इसमें 347 करोड़ रुपए सिर्फ हिंदी वर्जन के जरिए कमाए गए थे। शाहरुख खान की फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ये आंकड़ा 800 करोड़ से ऊपर जा चुका है। फिल्म अभी अपने दूसरे हफ्ते में है और कमाई के मामले में ये अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेकेंड वीकेंड में फिल्म का हाइएस्ट कलेक्शन 36 करोड़ 85 लाख रुपए रहा है। एंड नंबर 10, टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के हाथ एक जैकपॉट लगा है। उन्हें रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में देखा जाएगा। वो अजय देवगन और रणवीर सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई दिखाई देंगी। इसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने शेयर की है। इस न्यूज को सुनने के बाद हर कोई बेहद एक्साइटेड हो गया है। श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर रोहित शेट्टी के साथ खुद फोटोज को शेयर किया है। उन्होंने डायरेक्टर की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का हिस्सा बनने की गुड न्यूज फैंस को दी है। वो इसमें अहम भूमिका निभाती हुई नजर आने वाली है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।